मुद्रा होता है, ये लिंग मुद्रा प्रदर्शन करके क्या करना होगा? ये लिंग मुद्रा प्रदर्शन करके आपको जो हमारे शरीर में जो है वो षटकर्ण, यानी हमारे जो ब्रह्मतालु से लेके मूलाधार तक, या से बिल्कुल ऐसे एक त्रिभुज हम सोचेंगे जैसे षटकर्ण होते है ना, ऐसे ऐसे एक त्रिभुज हो गया, पर यहां से आके ऐसे एक मूलाधार की तरफ त्रिभुज हो गया, यानी जो षटकर्ण यानी षटकोण जो होता है वो हम षटकर्ण हम अंकित करेंगे मन ही मन, जो दो त्रिभुज को हम ऐसे मिला देंगे, यानी जो पुरुष और स्त्री तत्वों को हम मिला देंगे। अगर हम पुरुष देवता का मंत्र जप कर रहे हैं तो लिंग मुद्रा प्रदर्शन करेंगे, और अगर हम शक्ति मंत्रों का जप कर रहे हैं तो हम योनि मुद्राओं का प्रदर्शन करेंगे। अब आते हैं मंत्र का निर्वाण। अब ये मंत्र का निर्वाण एक बहुत अहम रखते हैं कि यहाँ पे आपको जो मंत्र है उस मंत्र का यहाँ पे कुछ आता जाता नहीं है, मेन मंत्रों से यहाँ पे कुछ आता जाता नहीं है। यहाँ पे क्या है, अब हमको जो है हमारे जो शरीर की शक्ति, ये मंत्र तो हम हो गया, अब किसी पाइप को हम जोड़ेंगे तो उसके साथ जैसे इसको भी जितना कसना है इसको भी तो हम इसको ऐसे कसेंगे ना, वो आपको हम यहाँ पे भगवान के साथ हम जो शक्तियों के साथ हम उसको लाए हैं, अब मुझे भी तो पहुंचना है ना, तो मैं कैसे पहुंचूंगा इधर तक, गुरु ने जो हमको बीज मंत्र दिया है उस शक्तियों के द्वारा हम इधर पहुंचेंगे। यहाँ पे गुरु का अहमियत बहुत होता है। तो निर्वाण कैसे होता है, ओम ऐंग और जो है बीज मंत्र, ओम ऐंग बीज मंत्र, ओम ऐंग बीज मंत्र, उसके बाद ओइंग यानी जो सरस्वती का जो मंत्र है, यानी सरस्वती का जो बीज मंत्र है, यानी जो है कि हम माँ सरस्वती को अनुरोध करते हैं क्योंकि वो सिद्धि देते हैं, वो विद्या तक विद्या का देवी है, तो हम तो ये साधना कर रहे हैं, यानी ये हम किसी स्टूडेंट है इसलिए साधना करते हैं, स्टूडेंट का इष्ट देवता कौन होते हैं सरस्वती, तो सरस्वती को हमको यहाँ पे शरण करना है कि उसका आशीर्वाद के बिना कोई भी मंत्र सिद्ध नहीं होता, तो हम सरस्वती का ओइंग बीज है, तो हम ओम ओम अंग बीज मंत्र और ओइंग ऐसे करके हम अनुलोम विलोम करेंगे, यानी जो प्राणायाम करेंगे यानी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे, ऐसे यहाँ पे कुंभक नहीं करेंगे, लेकिन सांस कितने दूर तक ले जाएंगे, जब हम लेंगे तो हमारे जो नाभि देश है यहाँ पे जो हमारे मणिपुर चक्र की थोड़ी सी नीचे, यानी जो हमारे नाभि देश है वहां पे हम उस सांस को हम ले आएंगे और वहां से हम सांस को छोड़ेंगे। इससे हो गया क्या, जो हमारा बीज मंत्र जो है वहां पे जुड़ने के लायक हो गया। अब प्राण तत्व के बारे में बात करेंगे मित्रों। ये प्राण तत्व जो है वो एक्चुअली गुरु के मुख से अगर कोई बीज मंत्र अगर आपको मिलता है या कोई मंत्र मिलता है तो उसमें खुद ब खुद ये प्राण तत्व रह जाता है, नहीं तो आप उसको जगा कैसे सकते थे, है ना, तो उसको जगाना पड़ता है, तो मंत्र तो आप जाग चुके हैं आपकी ऑलरेडी, तो आपको यहाँ पे देने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपके गुरु मुंह से कोई मंत्र नहीं मिलता तो आप बिल्कुल उस मंत्र को ऐसे प्राण तत्व को यानी उसके अंदर प्राण लाना होता है, तो वो मैं ऐसे सिखाएंगे कि पहले आपको ये जान लेना कि ये प्राण तत्व क्या है। ये जो प्राण तत्व है ना, ये हमेशा आप अगर शिव मंत्र का जप कर रहे हैं या पुरुष देवता का मंत्र का जप कर, फिर भी आपको यहाँ पे शक्ति बीज मंत्र का इस्तेमाल करना ही करना है। अगर आपने यहाँ पे नहीं किया तो आप उसमें प्राण तत्व नहीं करेंगे। इसमें क्या आता है, ऐसे अंग कंग चंग टंग तंग पंग जंग शंग, ऐसे जो बीज मंत्र होता है, ऐसे बीज मंत्र के द्वारा कोई भी आपको बीज मंत्र 7 बार जप लेना है। इससे क्या होगा, उसके जो प्राण तत्व है वो सब एक हो जाएगा, कि अलग अलग रहता है कभी कभार। अब आता है इसके मंत्र के अंदर प्राण लाना है। मैंने आपको कहा था कि अगर ये बीज मंत्र जीवित नहीं है या आपको बाहर से मिला है तो मैं यहाँ पे 28 अष्टविंश जब विधि इसलिए बोला जाता है कि 28 स्टेप को आपको यहाँ पे कंप्लीट करना होता है, तो 28 स्टेप को कंप्लीट करना है तो इसके अंदर कभी कभी हमको कुछ छोड़ना भी पड़ता है, लेकिन हमको मेरा को पूरी विधि बताना अनिवार्य है। तो आप आते हैं इस मंत्र के अंदर हम प्राण कैसे लाएंगे, मंत्र का प्राण कैसे लाएंगे, तो उसके लिए हम सिर्फ जो हमारे सारे शक्तियों की मूल बीज क्या है, ह्रीं यानी माँ दुर्गा, जिसके मुंह से ये तंत्र का सृष्टि हुआ है, जिसके हर एक रूप की जो रूप वो माँ पार्वती का ही एक एक रूप है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ह्रीं मंत्रों का जप करेंगे, ह्रीं जो मंत्र है वो मंत्र, फिर जाके फिर ह्रीं, फिर ह्रीं बीज मंत्र, फिर ह्रीं, ऐसे करके हम 7 बार जप करेंगे। इससे क्या होगा, उस मंत्र के अंदर जो प्राण आ जाएगा यानी प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा। अब मंत्र की तो प्राण प्रतिष्ठा हो गया, अब मंत्र की दीपनी
यानी हमको ये हमेशा याद करना है, जो मंत्रों मेरे को मिला है या जिस मंत्र का हम जप कर रहा हो उस मंत्र की एक रोशनी निकल रहा है, यानी वो मंत्र खुद बहुत एक चमकीला चमकीला चीज है, जो वो हमेशा एक तेज निकल रहा है और जो तेज आके आपके शरीर में निहित हो रही है। आपको वो कैसे करना है, इस मंत्र वो दीपनी लाना है पहले, तो उसको वो सोच लेना है। तो उसको क्या करना होगा, ओम जो मंत्र है वो मंत्र, फिर ओम, ओम मंत्र, ओम ओम मंत्र, ओम, ऐसे 7 बार जप करना है अपने हृदय में, बिल्कुल ऐसे करके तत्व मुद्रा करके। तो आप अगर हृदय में जप कर लेंगे तो आपके मंत्र जो दीपनी है वो स्वच्छ हो जाएगा। अगर किसी भी तरह आपको जाने अनजाने में आपके असुच हो गया तो उसको भंग करना पड़ता है, तो उसका भी बिल्कुल वैसे ही ओम मंत्र ओम ऐसे अगर आप करेंगे तो 7 बार जप करेंगे तो उसके साथ साथ आपका असुच भी भंग हो जाएगा। ये एक अच्छी बात है कि एक साथ में आपको 2 क्रियाएं हो जा रही है। लेकिन अगर आपके सच में असुच नहीं है तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये करना अच्छा है कि आपको मालूम नहीं है आपके कौन सी वंशज कहाँ पे जाके आज कोई मर गया है या कोई पैदा हो गया पता नहीं है, या सोच असोच होता है, सुबह या सुबह वो बात की बात है। कोई मर जाना का मतलब ये दुख नहीं होता और कोई पैदा होने से सुख नहीं होता, इसका भी मैं डेफिनेशन बाद में दूंगा, लेकिन ये नॉर्मल तरीके से कोई मर जाना हम दुख समझते हैं, कोई किसी को पैदा होना सुख समझते हैं, लेकिन ये कदाचित ऐसे भी स्थिति आ जाते हैं तो हमें असोच भंग करना चाहता है। अब आते हैं कि मंत्रों की जो है, हम किसी भी मंत्र को कोई भी समय जप नहीं सकते। तो अगर हम किसी भी समय सोचो हम एक बंद कमरे में हैं या फिर हवा नहीं आ रहा है तो मुझे गर्मी लगेगी, तो मुझे क्या करना होगा, एक फैन की इस्तेमाल करना होगा, है ना। तो यहाँ पे भी मंत्र हम किसी भी समय का जपने के लिए बैठ गए और उसको अच्छे मुहूर्त नहीं रहा तो मुझे वो उस समय के लिए मुझे अच्छे मुहूर्त बना लेना है। तो उसके लिए क्या होगा, जिसको हम अमृत योग कहते हैं। अमृत योग के बारे में आपको जो पाजी होता है या जो पंजिका होता है उसमें आपको पूरी अच्छे से उसके डिटेल्स में दिया हुआ रहता है, आप वहाँ पे देख के आप वो कर सकते हो। तो अमृत योग के बारे में, लेकिन मैं आपको यहाँ पे समझ कि वो अच्छे समय आप कैसे ला सकते। ओम ओइं ह्रीं, ओम ओइं ह्रीं, ओम ओइं ह्रीं, इस मंत्र को अगर आप 7 बार जपेंगे तो उस समय के लिए लगभग 3 से 4 घंटे के लिए आप जब बैठे हो उस समय के लिए आपको अमृत योग एक अच्छा समय रह जाएगा। शायद आप कोई मंत्र इतने 4-5 घंटे तक बैठ के कोई शायद नहीं करता, तो आपको इतना समय देने की जरूरत नहीं है। तो आप जैसे भी करके इस मंत्र का जप करते हुए आप कर सकते हैं। अब आते हैं सप्त छदा, इसके बारे में अगर हम आपको डिटेल्स में और भी एक बड़े से वीडियो बनाऊंगा कि इसके सप्त छदा के बारे में अगर हम बात करेंगे तो हम इसको यानी जो मंत्रों के साथ जो मिक्स्ड होता है, यानी मंत्रों के साथ जो कभी कभार क्या है कि एक अक्षर के बीज मंत्र तो हमेशा नहीं होता ना, एक अक्षर का मंत्र सिर्फ बीज मंत्र होता है, लेकिन साधना या सिद्धि वाला मंत्र तो अलग अलग होता है। तो उसमें साथ कभी कभी ऐसा ऐसा सब जुड़ जाता है जो एक दूसरे से जुड़ना नहीं चाहिए। ये एक्चुअली जिसको बोला जा सकता है कि ये एक तरह की क्रैश है, लेकिन उस क्रैश को ठीक करना, अगर मंत्र के अंदर कोई क्रैश है तो वो ये ठीक हो जाएगा इस मंत्र का जाप करते हुए। उससे क्रीं क्लीं ह्रीं ह्रूं ओं ओं, क्रीं क्लीं ह्रीं ओं ओं क्रीं, क्रीं क्लीं ह्रीं ह्रूं ओं ओं, इस मंत्र को आप 10 बार जप करेंगे तो उसकी जो सप्त छदा है यानी उसके अंदर तोड़ फोड़ जो चीज है यानी जो अनवांटेड जो चीज है वो शांत हो जाए, यानी मंत्र एकदम परफेक्ट बन जाएगा सप्त छदा से। अब आते हैं मंत्र चिंता के बारे में। मित्रों हर दिन मंत्रों का, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर समय पहले कहा था कि जो मंत्र जो है वो एक्चुअली सबसे ज्यादा समय लेता है प्राणायाम और मंत्र को अच्छे समय में जप करना। तो प्राणायाम सिद्धि अगर होगा और आप अच्छे समय पे देख के अगर मंत्रों का जप करेंगे तो आपको एक बात है कि मंत्र का जो चिंता करना है यानी मंत्र जो आपको मिला है वो तो हम हमेशा आपको से जप करते समय आपको नहीं आएगा, हमेशा दिमाग में आएगा। तो अगर आपको इस मंत्र का जप हो जाने के बाद भी आप कभी भी उस मंत्र का चिंतन नहीं कर सकते, या रात्रि में कर सकते हो 10 दिन यानी रात के 10 बजने के बाद, सुबह में कर सकते हो 4 बजने के बाद, दोपहर को कर सकते हो 2 बजने के बाद, और शाम के समय 5 बजने के बाद, इस समय आप इस जप को अनुष्ठान क्रिया कर सकते हो। अब आते हैं मंत्र के उत्कीलन के बारे में। तो मैंने पहले आपको कह दिया था कि मंत्र का जो उत्कीलन होता है वो एक्चुअली आप जिस देवी देवता या जिसका भी आप मंत्र का जप करो उसका गायत्री होता है, जैसे शिव गायत्री होता है, विष्णु गायत्री होता है, ब्रह्मा गायत्री होता है,
देव हर एक देवता की गायत्री मंत्र होता है, हर देवी का सबका गायत्री मंत्र होता है, तो आपको उस गायत्री मंत्रों का 10 बार जप करना है। इससे उस मंत्र की पूरी तरह से जप की आपके स्टार्टिंग कर सकते हो। लेकिन जप की स्टार्टिंग से पहले आपको एक चीज और करना है, वो है दृष्टि सेतु, यानी हमारे जो चक्र है उस हमारा मेन चक्र कौन से है, शास्त्रा, लेकिन हम एक्टिवेट चक्र कौन होता है, हमारा आख्या चक्र। तो हमें क्या करना है, जो दृष्टि सेतु को सबसे पहले रख के हमको मंत्र जप करना चाहिए दृष्टि सेतु में। जैसे क्या है कि हमारे जो दोनों आंख है, इसको हम दृष्टि हमारे नाक की एकदम ऊपरी भाग में, जैसे ऐसे, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल अपने चेहरे को पूरे नाक के ऊपर दृष्टि रख के मंत्र के जप शुरू कर देना चाहिए। समझ में आ गया? लेकिन अब मैं आपको यहाँ पे एक अच्छे से बात बताता हूं कि आपके मंत्र सिद्धि कैसे होगी, किस दिन आपको पता लगेगा। अब जब हम मंत्रों का जाप करते हैं, अब तो हमें मंत्र जाप करने का परमिशन, ये 27 स्टेज हम पार कर चुके हैं, अब हमें मंत्रों का जाप करना है। अब जब हम मंत्रों का जाप करेंगे तो सबसे पहले हमको 3 चीज के ध्यान रखना है। सबसे पहले जो हमें हमारा शास्त्रहार है उसमें हम गुरु के ध्यान लगाएंगे, हमारा जो कंठ है यानी जहां पे मंत्र पैदा होते हैं वहां पे हम मंत्रों का ध्यान लगाएंगे, और हमारा जो इष्ट देवता है यानी जो जिसका हम साधना, एक्चुअली वो साधना की देवी देवता है, उनको हम हृदय में चिंतन करेंगे। तो ये 3 ध्यान एक साथ जब हम लगाएंगे, बिल्कुल ऐसे जब लगाएंगे, तब क्या होता है, आप थोड़ा कोशिश करके देखिए। आपके मंत्र क्या होगा, कोई नीचे से खींच रहा होगा, देखना कि आपका जीवा को जो है कोई शायद नीचे की तरफ खींच रहा है, एकदम प्रूफ के साथ बोल सकते हो। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं कल से मेरा यूट्यूब चैनल बंद कर दूंगा। मित्रों, मैं तारानाथ किसी के साथ कोई खामखा बात नहीं करता, शायद बीच बीच में बोलना पड़ता है कि आप क्या करके देखिए। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं तंत्र साधना जिंदगी में मैं कोई नहीं सिखाऊंगा, और ना आपके ये योग के बारे में और ये तंत्र की गुप्त चीज के बारे में कभी भी आपको बताऊंगा। आज मैं आपको 2 गुप्त चीज मैं आपको मेरे इस वीडियो के अंदर खोल दिया, और इस पद्धति का अगर आप अवलंबन करेंगे तो 100 साधना में आपको, अगर आप कोई साधना 100 बार में कोई साधना जप का साधना करेंगे तो 100 बार में ही आपको सफलता मिलेगी। अगर नहीं मिला तो उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है। एक बार अपना ध्यान लगाइए, दोबारा ट्राई करिए। यहाँ पे गुरु का ध्यान, यहाँ पे गले के जो मूल मंत्र जिसका आप साधना कर रहे हैं अभी उसका, और हृदय में अपने इष्ट देवता का ध्यान लगाइए। खुद ब खुद अपने शरीर जो है वो नीचे की तरफ, जो अपना जीवा है, खींचना शुरू कर देगा। तो ऐसे आप जब शुरू कर सकते हो, तो ऐसे आप जब कंटिन्यूटी करिए, आपका 100 बार की साधना 100 बार में ही सफलता होगी, एक बार के लिए नहीं रुकेगा। ये तारा तांत्रिक का वादा है आपसे। तो आज के लिए वीडियो यहीं पे खत्म करता हूं। शायद कितने स्टेज कितने टुकड़े हो गए हो तो मुझे भी मालूम नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके बताइएगा, शेयर करिएगा अपने मित्रों से, और अच्छे अच्छे जानकारी वाला वीडियो मैं कहूंगा हर किसी को शेयर करिएगा, क्योंकि जो भी ये हर किसी के लिए जरूरत है, जो भी पूजा पाठ करता है सबके लिए ये चीज जरूरी है। और ये ज्ञानवर्धक वाला वीडियो मैं पहली बार दिया आप लोगों के लिए, इतने ज्यादा इतने डेप्थ के साथ किसी नॉलेज के लिए, शायद मैंने इससे पहले ऐसा कोई भी वीडियो नहीं बनाया। तो देखते हैं आप लोगों को कितना अच्छा लगता है, और मैं इसके बाद से इसके बीच में जो पॉइंट्स है, कुछ पॉइंट्स है जिसको मैं अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों को मैं वो परिचित करवाऊंगा उस चीज के साथ साथ। तो चलिए आज के लिए विदा दीजिए, बहुत थक चुका हूँ आज वीडियो रिकॉर्डिंग करते करते ही। जय माता रा, जय मा कामाख्या। ओम जयंति मंगल काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिव समाधात्री सुहा सुधा नमस्तुते।